इमरान खान की रिहाई और सज़ाएं ख़त्म करने के हवाले से आज से केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब बाहर आ चुके हैं। जी सलमान सफदर साहब, आज क्या खुशखबरी है पीटीआई कारकुनान सपोर्टर्स के लिए? क्या कुछ खबरें अदालत में आज हुआ है? सुना है बड़ी आज खुशगवार समाअत हुई है, आपने कुछ वीडियोज़ भी चलाई है वहाँ पर। देखिए, आज सबसे अहम बात यह है कि तकरीबन सरकार की जानिब से जो मुख्तलिफ आ रही थी डिफ़िकल्टीज़ और स्टम्बलिंग ब्लॉक्स के, ये अपील मेंटेनेबल नहीं है, ये नहीं सुनी जा सकती, वो तमाम मराहिल जो हैं वो अब पार करने के बाद बकायदा अपील पर समाअत आज शुरू हो गई है। और उस अपील में आज बहुत कुछ पढ़ा गया, बहुत एविडेंस सामने रखा गया, FIR पढ़ी गई, चलान पढ़ा गया, इमरान खान साहब की तकरीर पढ़ी गई, शाह महमूद कुरैशी साहब की तकरीर पढ़ी गई, और उन तकरीर में यही बात सामने आई और जज साहिबान की तवज्जो उस एविडेंस की तरफ लाए कि इसमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कहीं पर भी वायलेशन नहीं हुई। आज ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून भी बहुत जामे और मुफसल तरीके से बेंच ने देखा कि कौन सी फॉरेन पावर है जो मुस्तफीद हुई है, किस एनिमी स्टेट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली बेनिफिट किया है, कौन सा सीक्रेट है, कौन सा कोड है जो बाहर आया है। और इमरान खान साहब को तो कॉपी दी गई थी एक साइफर की, और आज़म खान साहब के रोल को आज एक दफ़ा दोबारा देखा गया। मगर जो सबसे अहम बात आज सामने आई, जब जज साहब ने हमसे पूछा कि ये बताएं कि साइफर के अंदर क्या था वो पढ़ें, तो हमने कहा वो तो हमारे पास है ही नहीं। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि ये केस मुकम्मल हो गया, और हम तो जस्टिस मियां गुल हसन साहब ने ये फरमाया कि मैं तो इस केस को ओपन ट्रायल इसलिए मैं सुन रहा था कि मेरा ख्याल था कि साइफर के कॉन्टेंट्स कोर्ट में वकला के आगे सरकार तो रखेगी, जज साहब तो देखेंगे। मैंने कहा जी ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। साइफर के अंदर क्या था, ना वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, ना वो पढ़ा गया, ना हमने देखा, वो एक सफ़ेद हाथी है जो किसी ने नहीं देखा। और जज साहब ने कमाल किया है कि इस पूरे के पूरे एविडेंस को, हर डॉक्यूमेंट को सीक्रेट सीक्रेट कह के खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को 10-10 साल सजाएं दे दी हैं। आज से केस दोबारा समाअत के लिए कल गया है। कल जितने गवाहान फॉरेन ऑफिस के हैं और जितने गवाहान FIA के हैं और आज़म खान साहब जिनकी स्टेटमेंट 164 की रिकॉर्ड हुई, जो जिनकी असल जिम्मेदारी थी साइफर लेना रिसीव करना, ही वॉज़ द गार्डियन एंड कस्टोडियन ऑफ साइफर डॉक्यूमेंट, ये तमाम चीज़ें कल एविडेंस में पढ़ी जाएंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिनों के अंदर साइफर की अपील मुकम्मल होके तो इस पर इंशाल्लाह कोई फैसला आएगा। तो क्या सलमान सफदर साहब, आप रमज़ान के अंदर खान साहब की रिहाई देख रहे हैं? देखें, जिस तेज़ी से 2-3 ट्रायल्स कंक्लूड हुए थे, गालिबन 5 दिन के अंदर 3 ट्रायल्स हो गए थे, मेरा ख्याल है कि अगर यही 5 दिन हमें आज चलें, यहीं पर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं चीफ जस्टिस साहब से, अगर यही 5 दिन हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगातार मिल जाएं, हम अदालत का वक्त नहीं वेस्ट करेंगे, 1.5-1.5 घंटा रोज़ाना मिल जाए, तो मैं समझता हूं कि 25 रमज़ान से पहले तमाम अपीलों में फैसला होगा और इमरान खान साहब बाइज्जत बरी होंगे। आज इमरान खान की जब स्पीच आपने वहाँ पर चलवाई, तो उस पर जज साहब ने बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए और कहा कि एक तो सियासी बयान है, तो इसको कितनी इंपॉर्टेंस देंगे इस रिमार्क्स को? देखें, आज के केस में 2 बहुत अहम चीज़ें थी जो चलान में पढ़ी गई। जब उन्होंने वो तकरीर पढ़ी जिस तकरीर की बुनियाद पर इमरान खान साहब को 10 साल सज़ा दी है कि आपने अवाम के साथ ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर कर ली है, जब वो तकरीर जज साहब ने सुनी तो उन्होंने कहा उसमें तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो शेयर हुई है, जो कम्युनिकेट हुई है, या इसमें ये तो एक पॉलिटिकल कंटेंट है इसका, ये तो पॉलिटिकल स्पीच है, ना शाह महमूद कुरैशी साहब ने कोई ऐसी बात बताई है, ना इमरान खान साहब ने ऐसी बात बताई है, तो किसने इसको इंटरप्रेट कर लिया? ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी हुई। सुप्रीम कोर्ट में जब ये कंटेंट्स पढ़े गए ट्रांसक्रिप्ट के, तो 3 जजेस ने मुत्तफिका तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बेनिफिट करे किसी फॉरेन पावर को या इमरान खान साहब ने जो कम्युनिकेट किया हो। कुछ कम्युनिकेट नहीं हुआ, बल्कि ये भी नहीं पता कि जो उनके हाथ में चीज़ थी आया उसका साइफर से कोई ताल्लुक भी था या नहीं था। एक ख़त की बात हुई जो कि आज जज साहब ने कहा ये तो साइफर भी नहीं है, ये तो किसी कॉपी की बात हो रही है। सो किस्सा है मुख्तसर, सरकार का बहुत हद तक केस आज एक्सपोज हो चुका है, अभी बहुत थोड़ा सा केस पढ़ा गया, अभी सिर्फ FIR पढ़ी गई है, चार्ज पढ़ा गया है, कानून पढ़ा गया है, और बहुत ज़्यादा शॉकिंग बातें सामने आई हैं। आज से एविडेंस कल पे गया है, हम उम्मीद करते हैं कि कल मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करके फॉर्मुलेट कर दूंगा, बहस कंक्लूड होके फिर
सरकार ने जो अपने पॉइंट्स लेने हैं अपना केस एक्सप्लेन करने या संभालने के लिए वो अपना मौका ले। एंड मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि कितनी अजीब बात है कि इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये है कि आपने एक सीक्रेट चीज़ अवाम को दे दी और अदालत में वो सीक्रेट चीज़ लाई ही नहीं गई क्योंकि अवाम को पता चल जाएगी, या अवाम और मीडिया उस ट्रायल में एंटर ही नहीं हो सके। अगर ये चीज़ ऑलरेडी अवाम और मीडिया के नोटिस में थी और सबको पता है कि इमरान खान ने क्या किया, तो फिर ये सीक्रेट ट्रायल क्यों, और ये इस डॉक्यूमेंट को सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्यों कहा जा रहा है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो चले हो सकता है, वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ। तो अगर वो एग्जिबिट ही नहीं हुआ तो वो सरकार के केस का हिस्सा ही नहीं है, वो इस्तगासे का हिस्सा ही नहीं है। ना वो देखा जा सकता है, ना वो पढ़ा जा सकता है, ना जजेस उसको देख सकते हैं। सो जो मेन केस जिसके ऊपर केस है वो सिरे से मौजूद ही नहीं है, साइफर प्रोसिक्यूशन के केस का हिस्सा ही नहीं है। जज साहब ने 10 मिनट के बाद भी कंक्लूड करने से पहले यही कहा, मैं तो वहीं का वहीं रुका हुआ हूँ कि साइफर किधर है। तो क्या इसी हफ्ते केस वाइंड अप होगा जी, इंशाल्लाह इसी हफ्ते। थैंक यू।